हेलो फ्रेंड, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं बना रही कच्ची कैरी की लौंजी। चलिए बनाना शुरू करते हैं। लौंजी बनाने के लिए मैंने सबसे पहले आधा किलो कच्ची कैरी ली है। इन सभी कैरी को मैं अच्छे से छील लूँगी। ये देखिए, कुछ इस तरह मैं सभी कैरी को छील लूँगी। अब मैं इन सभी को कट कर लूँगी। ये देखिए, मैंने सभी कैरी को इस तरह से काट लिया है। अब मैंने यहाँ पर पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। अब मैं इन कटी कैरियों को गर्म पानी में डाल दूंगी और 2 मिनट के लिए इसी में छोड़ दूंगी। इससे कैरियों की थोड़ी खटास निकल जाएगी, क्योंकि ये कैरी बहुत ही खट्टी हैं। अब लौंजी के लिए मैंने यहाँ पर 1/2 कप गुड़ लिया है। 4 से 5 लहसुन को कट कर लिया है। और मसाले के लिए मैंने 1/2 चम्मच हल्दी, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच देगी मिर्च, 1/4 चम्मच गरम मसाला और स्वाद अनुसार नमक लिया है। अब मैं मसाले में पानी ऐड कर दूंगी ताकि मसाला अच्छी तरह से फूल जाए। ये देखिए, 2 मिनट हो गए, कैरी का खट्टापन उतर गया होगा। अब मैं इसे छान लूंगी। यदि कैरी ज़्यादा खट्टी ना हो तो उबालने की ज़रूरत नहीं है। लौंजी बनाने के लिए मैं कढ़ाई में 2 चम्मच तेल लूँगी। तेल गर्म हो जाने के बाद इसमें जीरा ऐड करूँगी। अब मैं इसमें सरसों दाना ऐड कर दूँगी। यहाँ पर मैं खड़ा धनिया ऐड कर दूँगी और साथ में मैंने सौंफ भी ऐड कर दी है। अब मैं इसमें कटा हुआ लहसुन ऐड कर दूँगी। यहाँ पर मैं 1 चुटकी हींग ऐड कर दूँगी। अब मैं इसमें तैयार किया मसाला ऐड कर दूंगी। मसाला अच्छा सिक जाए इसमें मैं 1 कटोरी पानी ऐड कर दूंगी। अब मैं इसमें गुड़ ऐड कर दूंगी। अब मैं इसे मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए ढक कर रख दूंगी। ये देखिए, मसाला अच्छी तरह से सिक गया है। अब मैं इसमें कैरी ऐड कर दूंगी और इसे अच्छी तरह से चला लूंगी। गैस की आंच को मीडियम ही रखूंगी और इसे 2-3 मिनट के लिए चला लूंगी। अब मैं इसमें 2 कप पानी ऐड कर दूंगी और इसे मीडियम फ्लेम पर 7 से 8 मिनट के लिए पकने दूंगी। ये देखिए, लौंजी में अच्छा सा उबाल आ गया है। ये बिल्कुल बन के रेडी हो गई है। अब मैं इसमें कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर दूंगी। यहाँ पर मैं सूखी पुदीना की पत्तियाँ ऐड कर दूंगी। आप चाहें तो इसमें फ्रेश पुदीना भी ऐड कर सकते हैं। कच्ची कैरी की रसीली लौंजी बनके रेडी हो गई है। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है, बनाना बहुत ही आसान है। आप भी इसे एक बार जरूर ट्राई करें। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।